हेलो पार्थ, कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं। 12वीं क्लास में राइटिंग सेक्शन में एक बिंदु दे रखा है, फॉर्मल इनविटेशन की एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। मैं दोनों ही चीज़ें, चाहे वो किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट करना हो और चाहे इनविटेशन को डिक्लाइन करना हो, मैं दोनों के लिए आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। अपना पूरा ध्यान अपने इस ब्लैक बोर्ड पर रखना है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि फॉर्मल इनविटेशन जो भी कोई होता है उसको हमेशा थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है। उसमें कभी भी आई, वी या यू का संबोधन नहीं किया जाता। ये चीजें अपने को इसमें नहीं लिखनी है, थर्ड पर्सन में लिखना है, चाहे वो सिंगुलर में हो और चाहे वो प्लूरल में हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनविटेशन की रिप्लाई करने वाला व्यक्ति जो होता है वो शुरू के जो हेडिंग है उस हेडिंग में आ जाता है, इसलिए लास्ट में किसी भी प्रकार का कोई साइन करना या कोई रिस्पेक्टफुली शब्द लिखना, उसमें रिस्पेक्टेड शब्द लिखना ये जरूरी नहीं होता। इसलिए ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में लगभग 80% आंसर क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। उस आंसर को हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे जो आंसर सेक्शन है उस आंसर सेक्शन में अपने को उसको शामिल करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हाउ कैन वी गेट द रियल आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न में से हम उत्तर को कैसे पाए, और इसमें से मैं बता रहा हूं आपको लगभग 70-80-85% तक आंसर जो है वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, इसलिए यह टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं होता। ट्रिक क्या है, फॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, चाहे वो एक्सेप्टिंग हो चाहे डिक्लाइनिंग हो, दोनों की मैं एक ही थ्योरी बता रहा हूं आपको। फॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहे हैं हम, इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, द फॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन की बात करेंगे। करना क्या है आपको, बॉक्स बना करके आपको अपना आंसर लिखना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने होगा, मैं पहले ट्रिक लिख रहा हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आपको थैंक्स बोलना है किसको, जिस व्यक्ति को इनवाइट किया गया है उस व्यक्ति का यहां नाम लिखना है। उसके बाद उसे धन्यवाद देना है उस व्यक्ति को जिसने आपको आमंत्रित किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है फॉर द काइंड इनविटेशन, फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड। आगे का जो पार्ट है वो पार्ट आपको अपने क्वेश्चन में से लेना है, क्वेश्चन में से आगे पार्ट हमें इसमें जोड़ देंगे। और लास्ट में आपको जो लिखना है वो लिखना है ही हैज, ही या दे, ही हैज या दे हैव, दे हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। चलो इतना सा ही आप लोगों को इसमें, अगर डिक्लाइनिंग करना है तो आप लोगों को यह लिखना है कि ही रेग्रेट्स, ये डिक्लाइनिंग का है, ये एक्सेप्टिंग का है, एक्सेप्टिंग पार्ट ऊपर लिखेंगे। चलो डिक्लाइनिंग का मैं एक बार दूसरा एक एग्जांपल और बता देता हूं, उसमें आपको डिक्लाइनिंग का बता देता हूं। यह है एक्सेप्टिंग का, कोई भी क्वेश्चन लिखें, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपकी बुक से लेकर के और यहां लिख रहा हूं, हाँ आपकी बुक का एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको यह ट्रिक जो है वो सही तरीके से बता रहा हूं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उस क्वेश्चन के बेस पर ही आपको अपना आंसर लिखना चाहिए। मैंने बताया कि 70% तक का आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। यू आर मिस्टर पारिक, यू आर मिस्टर पारिक, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, यू हैव रिसीव्ड
received an invitation from Mrs. and Mr. Mittal to attend function on 29th January। हाँ देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, स्ट्रिक में किस तरीके से पुट करना है। यू आर मिस्टर पारिक, आप मिस्टर पारिक हैं, आप आमंत्रित हैं किसके द्वारा? यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर मित्तल के द्वारा आप आमंत्रित हैं। अटेंड ए फंक्शन ऑन 29th जनवरी 2020 10 AM एट जवाहर नगर। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो थैंक्स बोलता कौन है, जिसको इनविटेशन मिला है, और इनविटेशन किसको मिला है? मिस्टर पारिक को। तो आप सीधा मिसेज एंड मिस्टर पारिक कर दें, मिसेज एंड मिस्टर पारिक, मिस्टर पारिक थैंक्स टू किसको धन्यवाद देगा वो? मिसेज एंड मिस्टर मित्तल किस बात के लिए? टू फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर द काइंड इन्विटेशन। अब यहां पर रीजन दिया है, क्या रीजन दिया है? टू लगा करके पूरा लिख दो यहां पे, टू अटेंड यहां से पूरा, हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके का मिलेगा, हर क्वेश्चन में टू अटेंड ए फंक्शन। आगे पीछे जरूर हो गया, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक लिखें, फंक्शन ऑन 29th January 2020 एट 10 AM एट जवाहर नगर जयपुर ऑन द ओकेजन ऑफ गृह प्रवेश। क्या है? गृह प्रवेश ओकेजन पे आपको इनवाइट किया गया है, इसलिए ये पूरा रीजन इसमें दिया हुआ, पूरी की पूरी नकल चल रही है ऑफ देयर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस होम। यह चीज आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है, ही या दे कुछ भी लिखें आप, अगर सहपरिवार हैं आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक बोल रहे हैं, तो दे लिख सकते हैं, अदरवाइज ही भी यूज कर सकते हैं। अगर ही लगाते हैं तो यहां हैज लगाना चाहिए, अगर दे लगाते हैं तो हैव का प्रयोग करना चाहिए। दे हैव नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, मैंने बताया आपको कि यहां पर इस पैराग्राफ को यहीं ड्रॉप कर देना, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है दे हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, वो आपके आमंत्रण को स्वीकार करके बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको ये डिक्लाइन करना है, हर इन्विटेशन की बात बता रहा हूं जो फॉर्मल है, अगर इसको डिक्लाइन करना है, इनकार करना है, आपको अपनी मजबूरी शो करनी है कि मैं इस कारण से ये फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, इस ओकेजन पर मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो आपको यहां पर डिक्लाइन करने के लिए एक दो शब्द हैं, वो शब्द लिखने हैं, जैसे यहां इसके स्थान पर लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये एक्सेप्टिंग में काम आएगा ये पूरी इतनी चीज। अगर आपको डिक्लाइनिंग करना है, डिक्लाइनिंग करेंगे तो हम इनकार करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखना है? बट दे रेग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, यहां पर कारण लिखना है आपको किस कारण से आप, अब यहां ड्यू टू का मतलब कोई भी कारण दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फादर्स इलनेस, ड्यू टू फादर्स इलनेस,
पिताजी के तबीयत ठीक ना होने के कारण, बुखार के कारण, ये कारण दे सकते हैं। कई आंसर में आपके लिखा है मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, माँ के अस्पताल में भर्ती होने के कारण, या ड्यू टू अनअवॉइडेबल मीटिंग, अनअवॉइडेबल मीटिंग जिसको टाला नहीं जा सके ऐसी मीटिंग, या फिर कोई स्पेशल ड्यूटी जैसे फॉर ड्यू टू इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, चुनावी ड्यूटी होने के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाता। तो इसमें से आपको कोई एक रीजन दे देना है। पहली बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इतना लिखें, दे का प्रयोग न करके अगर इंडिविजुअल आप एक व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं तो ही लिखें, अगर ही लिखते हैं तो यहां पर एस लगाना जरूरी हो जाएगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सिंगुलर बनाना होगा। फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द, ये रटी रटाई बात है, यही लिख दें आप। रीजन इनमें से कोई एक देना है, सभी रीजन नहीं दिए जाते। उस कारण से रीजन दे दिया गया, इस कारण से मैं आपके इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, हाँ बढ़िया तरीके से आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं, उन बुक में से 3 या 4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस निश्चित रूप से करेंगे, चाहे वो एक्सेप्टिंग का हो चाहे वो डिक्लाइनिंग का हो। ठीक है, आपको किस तरीके की ये चीज लगी? हाँ, हमारा ये जो टीचिंग का मेथड है, ये मेथड अगर आपको पसंद आया है तो जरूर हमें मोटिवेट करेंगे। ओके, थैंक यू।